नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि लोगों को अपने राज्य की सरकारों से पूछना चाहिए कि उन्होंने पेट्रोल डीजल की दरों में कटौती क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद राज्य सरकारों से भी वैट में कटौती की मांग की थी। अब ये लोगों को उन पार्टियों से पूछना चाहिए जिन्हें उन्होंने वोट किया है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। ऑफ 10 रुपीज एंड 5 रुपीज, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, द एंटायर रिडक्शन ऑफ 5 रुपीज एंड 10 रुपीज हैज बीन इन द नॉन शेयरेबल पोर्शन ऑफ एक्साइज, व्हिच मींस दैट द एंटायर रिडक्शन इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट and no part of this excise duty is part of the 41% which is shared with the states. So the entire reduction of 10 rupees and of 5 rupees is a revenue loss to the central government and there is no loss of devolution to any state government through the reduction of 10 rupees and 5 rupees which was done recently. केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद एक तरफ भाजपा शासित राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट में तुरंत कटौती कर दी थी, तो वहीं राजस्थान, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों ने अभी तक वैट में कटौती नहीं की है। देश में पेट्रोल का वेस्ट प्राइस तो अभी 47.93 रुपए के करीब है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगने वाले टैक्स से इसकी कीमतें देश के हिस्सों में 150 रुपए के करीब पहुंच गई हैं। केंद्र सरकार 27.90 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इसके बाद राज्य सरकारें इस पर अपने हिसाब से वैट और सेस वसूलती हैं। इससे पेट्रोल का दाम बेस प्राइस से 2 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ हुई एक बैठक के बाद बताया है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में तब तक शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि जीएसटी परिषद उन्हें शामिल करने के लिए दर तय नहीं करती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार की रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लोगों को राज्य सरकारों से पूछना चाहिए कि उनमें से कुछ ने ईंधन की दरों में कटौती क्यों नहीं की है। सीतारमन ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद आर्थिक वृद्धि में आई मजबूती के संदर्भ में ये बैठक हुई है। हालांकि ये वक्त वृद्धि को बनाए रखने और इसे दोहरे अंकों में ले जाने के तरीकों पर ध्यान देने का भी है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक में निवेश और विनिर्माण और कारोबारी गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर राज्यों की राय जानने की कोशिश भी की गई है। बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक वित्त मंत्री ने भारत को आने वाले वर्षों में सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था बनाने में राज्यों से मदद देने का अनुरोध करते हुए कहा है कि निवेश के लिए आकर्षण बढ़ाकर और कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने वाले कदम उठाकर ऐसा किया जा सकता है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।